हे गाइस जय हिंद स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा इस वीडियो में हम बात करेंगे ए एफ ओ स्पेशल सीरीज़ के पार्ट नंबर फोर के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी बार ए एफ ओ पार सारा कुछ इन्फॉर्मेशन सारा कुछ डिटेल हम इस वीडियो में जान रहे हैं अभी तक तीन पार्ट हो चुके हैं जिसमें हमने ए एफ ओ में आए हुए हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट को सारा कवर हमने किया है ये पार्ट फोर होने वाला है अगर अभी तक आपने पार्ट थ्री नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ हम चला रहे हैं इसके लिए छोटा सा काम करना है इस वीडियो को आपको शेयर करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है चलिए स्टार्ट करते हैं बात करेंगे प्रीवियस पार्ट में पूछे गए क्वेश्चन के सही जवाब के बारे में क्वेश्चन है वोटेनिकल नेम ऑफ पॉम ग्रेनेट ये आपके एफ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सब लोग जानते हैं प्यूनिका ग्रेनेटम जो होता है वो पॉम ग्रेनेट का जो होता है वोटेनिकल नेम होता है चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तो यहाँ पर बात हो रही है हॉर्टिकल्चर नर्सरी शुड बी ड्रेंड बिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉयल इज़ नॉट सुटेबल फॉर नर्सरी मतलब कि यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चरल नर्सरी है उसको पानी उसके खेत से या उसकी फील्ड से बाहर निकालना चाहिए और कौन सा जो सॉयल है वो नर्सरी के लिए सोटेबल नहीं है यानी कि यहाँ पर पानी की थोड़ी सी समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगी सब लोग जानते हैं जो ब्लैक कॉटन सॉयल होता है ये जो है थोड़ा सा पुअर ड्रेनेज फैसिलिटी इसमें आपको देखने को मिलती है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉयल इसके अलावा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की फ्रूट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ एंड ग्रोन इन डिफरेंट स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ सिट्रस सिंपली यहाँ पर सिट्रस की वेराइटी पूछिए किंग मैंड्रेन जो होगी वो सिट्रस की वेराइटी होगी राइट right आंसर होगा यहाँ पर किंग मैनड्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री आम्रपाली वेराइटी ऑफ मैंगो इज मेड बाई दी क्रॉस ऑफ आप सब लोग जानते हैं कि जो मैंगो का जो क्रॉस है उसके एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं ये आपका ए एफ ओ दो हज़ार इक्कीस बाईस के एग्जाम में रेट लेटेस्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है पूछ रहा है कि जो आम्रपाली है तो आप सब लोग जानते हैं डी एन एनि कि दशहरी का नीलम से क्रॉस करवाते हैं तब हमको आम्रपाली जो है मिलता है तो दशहरी क्रॉस नीलम जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा और ये जो है आपके ए एफ ओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर की बात करेंगे कि मैंगो इज़ अ ट्रॉपिकल फ्रूट बट हाई ह्यूमिडिटी एंड रेन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग फ्लोरिंग मतलब जो आपका मैंगो है वो हाई ह्यूमिडिटी और रेन को जो है फ्लोरिंग के टाइम पे उसको अवॉइड करता है फ्लोरिंग स्टेज पे व्हाट इज़ द टेम्परेचर रेंज फॉर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स यानी कि देखिए ए का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़े आधे टेढ़े करके क्वेश्चन पूछता है और फिर लास्ट में या कहीं भी एक पॉइंट में उसका पूरा आंसर मिल जाता है देखिए यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का या इस लाइन का कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होगा कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर रेंज फॉर कल्टीवेशन ऑफ़ फ्रूट्स या मैंगो यानी मैंगो की कल्टीवेशन की हमको टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होगा तो ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर मैंगो कल्टिवेशन ये जो है हमारा राइट right आंसर यहाँ पर हो गया है इसके अलावा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव की पॉम ग्रेनेट इज अ फेवरेट टेबल फूड ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज द डिफरेंस वेराइटी कल्टिवेटेड फॉर बोथ सीरेड टाइप और सॉफ्ट सीरेड टाइप विच ऑफ़ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ सॉफ्ट सीडियड टाइप यानी कि इनमें से कौन सी सॉफ्ट सीरेड वेरायटी है पॉम ग्रेनेट की तो आंसर होगा यहाँ पर ढोलका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है ढोलका से जो है एग्जाम में ए एफ ओ में क्वेश्चन आया हुआ है इसके अलावा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स की पाइनएप्पल इज़ अ मेनली ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड शुड बी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वट इज़ द पी एच फॉर पाइनएप्पल समझ सकते हैं यहाँ पर ये यह, यहाँ पर सिंपली जो है पाइनएप्पल का जो है पी एच रेंज हमसे पूछ रहा है तो लगभग सिक्स टू सेवन या फिर फाइव पॉइंट फाइव टू सेवन पी एच जो है बेस्ट पी एच होता है आपका पाइन एप्पल के कल्टिवेशन के लिए फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर सात की देर इज़ अ डिफरेंस मदर प्लांट फॉर वेराइटी ऑफ गोवाबा कल्टिवेशन बिच ऑफ द फॉलोइंग मदर प्लांट फॉर गोवाबा कल्टिवेशन या कल्टिवेटर्स इन महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया यानी कि गोवाबा का जो महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के लिए कौन सा जो है मदर प्लांट का जो कल्टिवेटर है कल्टीवर है जो वेरायटी है वो सबसे बेस्ट रहेगी आप सब लोग जानते हैं सरदार अमरूद या फिर इसको एल फोर्टी नाइन यानी लखनऊ फोर्टी नाइन के नाम से भी हम इसको जानते हैं इसको सरदार अमरूद के नाम से भी जानते हैं ये जो होगा यहाँ पर आपका राइट right आंसर होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठ विच इज़ दी फॉलोइंग मेथड फॉर लेयरिंग फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑफ प्लांट इज टू प्रोपागेट मेनी ऑफ द थिक स्टीम्ड एंड क्लोजली ब्रांच प्लांट स्पेशली वेन इट इज डिजायरेबल टू रूट ऑल दी ब्रांचेज यहाँ पर सिंपली जो है गोवाबा की जो है लेयरिंग मेथड के बारे में यहाँ पर सिंपली पूछा गया है या फिर प्रोपागेशन की मेथड के बारे में पूछा गया है माउंट लेयरिंग जो होगा यहाँ पर आंसर होगा जो कि मतलब क्लोजली ब्रांच है यहाँ पर जो ब्रांचेज बहुत हैं बहुत ज़्यादा फैली हुई है पास पास में डेंस्ड हैं तो इस टाइप में जो हम लेयरिंग करते हैं वो माउंट लेयरिंग का मतलब होता है कि आप इस टाइप से एक ढेरी बना देते हैं प्लांट को उससे मिट्टी से ढक देते हैं तो इसको ही हम माउंट लेयरिंग कहते हैं एक ट्रेंच लेयरिंग भी होता है ट्रेंच मतलब ऐसे जो शाखा को है ट्रेंच में खाई में डाल के मिट्टी से ढक देते हैं एक आपका एयर लेयरिंग होता है तो ये सब कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे ठीक है आंसर होगा यहाँ पर माउंट लेयरिंग नेक्स्ट बात करेंगे हम पंजेंसी ऑफ ऑनियन ये किसके कारण होता है तो आप सब लोग जानते हैं एलाइल प्रोफाइल सल्फाइड जो होता है जिसके कारण पंजेंसी देखने को मिलता है ओनियन में जो है थोड़ा सा मतलब पंजेंसी हमको दिखती है ये आपके ए एफ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही होगी अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो छोटा सा काम आपको करना है वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भाई बहनों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह इसको क्या करना है शेयर करना है ये छोटा सा काम आपको जो है करना है चलिए उसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर टेन की व्हाट इज़ दी फ्रूट टाइप ऑफ पाइनएप्पल पाइनएप्पल किस टाइप का फ्रूट होता है तो आप सब लोग जानते हैं सोरोसिस टाइप का ही होता है फ्रूट का टाइप होता है पाइनएप्पल का तो आप देख सकते हैं पाइन एप्पल से दो क्वेश्चन हो गए गुआबा से दो क्वेश्चन हो गए तो हॉर्टिकल्चर का जो है ए के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अलावा क्वेश्चन नंबर एलेवन जो रोज़ होता है मतलब जो फ्रूट रोज़ का जो फ्रूट टाइप होता है उसको क्या कहते हैं तो हिप के नाम से उसको हम जानते हैं ठीक है ये आपको याद रखना है रोज़ फूड टाइप इज ऑल्सो नोन एज हिप इसके अलावा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बारह की ब्लॉसम एंड रॉट इज़ इन डैश एंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी आप समझते हो ब्लॉसम एंड रॉट का मतलब होता है इसको बेर के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में ये जो समस्या है ये टमाटर में आपको देखने को मिलती है और ये कैल्शियम की डिफिशियंसीज होती है सर ये आपके एफ के एग्जाम में एज इट इज़ आया हुआ है तो आंसर होगा कि ब्लॉसम एंड रॉट जो है आपके टोमेटो में होता है और कैल्शियम की डिफिशियंसी से ये जो है आपका समस्या देखने को मिलता है एक डिसऑर्डर है ये किसका टमाटर का इसके अलावा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन की व्हाट इज द आईसीएमआर रिकमेंडेशन ऑफ वेजिटेबल ग्राम पर डे आईसीएमआर के हिसाब से वेजिटेबल का कितना रिकमेंडेशन है ये हमको यहाँ पर बताना है ये आपके ए के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है और यहाँ पर राइट right आंसर जो होगा वो थ्री ग्राम पर डे यहाँ पर जो है आई का यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का यहाँ पर जो है रिकमेंडेशन रहने वाला है ठीक है तो इससे हमको ये पता चलता है कि आई ने कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए कितना रिकमेंडेशन दिया है कितना इंडिया में अवेलेबिलिटी है तो ये डाटा जो है आपको याद करके जाना है एग्जाम में नहीं आएगा तो इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है आगे बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की सिम्टम ऑफ पाउडरी मिल्डी ऑफ पी आर फर्स्ट सीन ऑन बेचार पार्ट ऑफ द प्लांट यानी कि जो पाउडरी मिल्डियो की समस्या होती है उसका सबसे पहले जो सिम्टम होते हैं वो कौन से प्लांट के पार्ट पर देखने को मिलते हैं तो आंसर होगा यहाँ पर लीप्स लीप्स जो है पत्तियों में सबसे पहले ये पाउडरी मिल्डियो जो है वो देखने को मिलता है और ये मटर में जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है किससे पाउडरी से आगे है लेट ब्लाइट ऑफ डिसीज सब लोग जानते हैं अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट जो है आलू की काफ़ी समस्या ये देखने को मिलती है पोटैटो यहाँ पर जो होगा राइट आंसर होने वाला है इसके अलावा बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सोलह की डिसऑर्डर इन पोमग्रेनेट इन विच एरिल्स आर डिसइंटीग्रेशन वेयर एरिल्स बिकम सॉफ्ट लाइट क्रीमी ब्राउन टू डार्क ब्लैकिश ब्राउन एंड अनफिट फॉर कंजप्शन एंड डिफिशियंसी नॉट सीन एक्सटर्नली मतलब ये जो है एक डिसऑर्डर की समस्या यहाँ पर हो जिसको हम इंटरनल ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं और ये जो है मतलब उसमें जो उसके जो एरिल्स होते हैं मतलब ऐसे जो दाने बने होते हैं उनको हम एरिल कह रहे हैं किस में में तो एरल में क्या होता है कि डार्क ब्राउन ब्राउन या ब्लैकिश कलर के जो होते हैं उसमें स्पॉट बन जाते हैं और वो है आपको खाने के योग्य नहीं रहता है तो ये किसके कारण जो है डिफिशियंसी भी ऊपर से हमको देखने को नहीं मिलती है फिर भी ये समस्या अंदर हमको देखने को मिलती है ठीक है अनार में तो ये जो है समस्या जो है इंटरनल ब्रेकडाउन के नाम से इसको हम जानते हैं इसको आपको याद रखना है आई वी पी एस ए एफ ओ में आया हुआ ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और पॉम गेटेसि से भी आप देख सकते हैं लगभग लगभग लग 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 तीन क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं इसके अलावा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सत्रह की जो कि दो हज़ार बाईस यानी कि लेटेस्ट इस बार के जो एग्ज़ाम में है ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कुर्ग इज़ अ कमर्शियल वेरायटी ऑफ कुर्ग किसकी वेरायटी है तो कुर्ग ये है जो आपकी कॉफ़ी की वेराइटी है ठीक है अगर यहाँ पर सर कुर्ग हनी ड्यू देता जी हाँ कुर्ग हनी ड्यू की अगर यहाँ पर बात करता तो ये फिर आपकी पपाया की वेरायटी हो जाती काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है इस साल के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है इसके अलावा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अट्ठारह की तो यहाँ पर बात हो रही है क्रिकेट बॉल और काली पत्ती तो क्रिकेट बॉल और काली पत्ती जो है वो किसकी वेरायटी है तो ये सपोटा की वेराइटी है ये भी आपके आई वी पी एस में जो है आया हुआ क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इसके अलावा बात करेंगे लीफ कर्ल ऑफ़ चिली इज़ ट्रांसमिटेड बाय तो लीफ कर्ल ऑफ चीली जो है वो किससे ट्रांसमिट होती है तो इसका देखिए बहुत जगह इसकी कन्फ्यूज़न है एफ ओ दो में जो है आया हुआ क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इसको थ्रिप राइट आंसर बताएंगे बहुत सारे बच्चे इसमें वाइट फ्लाई जो है राइट right आंसर बताएंगे लेकिन अकॉर्डिंग टू आई जो मोस्ट करेक्ट एग्ज़ाम में आपका आंसर रहेगा वो वाइट फ्लाई होगा तो ठीक है तो बहुत स्टूडेंट फिरिप्स के साथ भी जा सकते हैं कन्फ्यूज मत रहिएगा वाइट फ्लाई जो है राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ठीक है इसके अलावा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बीस की क्वेश्चन नंबर बीस की गुआवा फ्लैश पिंक स्पोर्ट वेराइटी विच इज़ ऑल्सो नॉन ए सरदार यानी कि पिंक फ्लैश का मतलब होता है जो गुआवा के अंदर जो गूदा होता है पल्प जो होता है वो पिंक कलर का होता है उसको सरदार अमरूद के नाम से भी जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो है सरदार अमरूद का प्रीवियस ए में भी क्वेश्चन आया हुआ था लेकिन इस बार थोड़ा सा घुमा के पूछा है आंसर होगा एल फोर्टी नाइन एल फोर्टी नाइन यानी कि लखनऊ फोर्टी नाइन जिसको सरदार गोवाबा के नाम से भी जानते हैं और ये पिंक फ्लैश इसका होता है जो गूदा होता है पिंक होता है ठीक है तो बातों बातों में हमने टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन को जान लिया है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर वन से लेके ट्वेंटी क्वेश्चन यानी कि वन टू ट्वेंटी क्वेश्चन जो है आपके ए के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन जो है आपके ए एफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको इस क्वेश्चन से आपको आगे पता चलेगा कि किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करके रखना है कंप्लीट वीडियो का जो पीडीएफ है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे एग्री मंत्रा पे जो है अवेलेबल है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर इस एप्लीकेशन की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ से जाके भी जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ़ द डे के बारे में जिसका जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है सही जवाब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इमेच्योर ग्रीन फ्रूट्स टर्न इनटू एडिबल डिजायरेबल फ्लेवर क्वालिटी कलर पैलेटेबल नेचर विथ इथलिन ट्रीटमेंट इसको क्या कहेंगे डीग्रेनिंग राइपेनिंग क्यूरिंग या फिर प्रीक्वेलिंग जो है राइट right आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा सही जवाब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे डिस्कस तो चलिए बातों बातों में हमने पार्ट फोर को जो है कवर कर लिया है अभी तक पार्ट फोर यानी चार पार्ट हो चुके हैं टोटल हमने लगभग एट्टी प्लस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कवर किया है आपके 2015 से 2021 हज़ार तक के ए में आए हुए सारे हॉर्टिकल्चर को हमने चार पार्ट में कवर कर लिया है आशा करूँगा आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ पसंद आई होगी आगे नेक्स्ट पार्ट में हम किसी नए सब्जेक्ट के साथ आपको ए से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे और एग्जाम तक हम आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करा देंगे इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और छोटी सी हेल्प करनी है वीडियो को करना है लाइक और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ करना है शेयर तो ये थी आज की वीडियो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत